नरेंद्र मोदी का नया भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर दिन बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ चला है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है हमारा नया भारत, जिसके तहत देश के अलग अलग कोनों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ साल पहले तक अनुच्छेद 370 से जकड़े रहे कश्मीर में भी G20 बैठक का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यहां तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इस बैठक से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कड़ा संदेश गया कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। जिस कश्मीर का पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर जाकर विरोध करता रहा है और दुनिया से भी अपने साथ आ जाने की अपील करता रहा है, उसी कश्मीर में 20 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से सिर्फ 17 देशों के प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया लेकिन मन से लिया। बाकी बचे 3 देशों में से चीन ने कश्मीर को विवादित स्थल बताकर बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और अब उसी चीन को भारत समेत 14 देशों ने मिलकर मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बने गुट को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इन 14 देशों ने IPEF के तहत सप्लाई चेन एग्रीमेंट में महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की घोषणा की है। इन 14 देशों के बीच में हुआ ये एग्रीमेंट सुनिश्चित करेगा कि IPEF के देश कच्चे माल की कमी जैसी स्थितियों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कोविड और अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों जैसी स्थिति में कम से कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, संभावना तो ये भी है कि IPEF में शामिल देश आपातकालीन संचार नेटवर्क के माध्यम से सेमीकंडक्टर सप्लाई या शिपिंग लाइनों में दिक्कतों से निपटने के लिए भी एक साथ आ सकते हैं। इन देशों के बीच एक क्राइसिस रेस्पॉन्स नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। सप्लायर्स और स्किल मैन पावर का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। इस सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण लेबर राइट्स होंगे, जो आने वाले वर्षों में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। ये ग्रुप 4 पिलर्स पर डील के बारे में चर्चा कर रहा है, क्लीन एनर्जी, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापार, जबकि आखिरी पिलर पर वार्ता में भारत शामिल नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों को सहयोग करना चाहिए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने ट्वीट किया, लिखा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि IPEF ने अपनी तरह के पहले सप्लाई चेन समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। ये एक बड़ी बात है, पहली बार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होगा जो पूरे भारत प्रशांत में 14 भागीदारों को एक साथ लाएगा। 14 देशों के समूह IPEF की शुरुआत अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने मिलकर 23 मई को टोक्यो में की थी। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 स्तंभों के आधार पर यह ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें से एक का भारत हिस्सा नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में बताया, भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। अमेरिका की मेजबानी में शनिवार को डेट्रॉइट में दूसरी IPEF मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। वहीं IPEF के लक्ष्य के बारे में बात करें तो क्या है IPEF का लक्ष्य? IPEF का लक्ष्य क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है। इस मंत्री स्तरीय बैठक में आपूर्ति खंडों के तहत व्यापक स्तर पर बातचीत हुई, जबकि अन्य IPEF स्तंभों के तहत भी अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। आपूर्ति श्रृंखला के तहत IPEF भागीदार आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने की मंशा रखते हैं। इस स्तंभ के तहत अपने संबोधन में गोयल ने बातचीत में तेजी लाने की सराहना की है। फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि आपस में फायदेमंद समझौतों से अर्थव्यवस्थाएं नजदीकी से जुड़ सकेंगी और IPEF के भीतर आपूर्ति मूल्य श्रृंखला दुरुस्त होगी। केंद्रीय मंत्री ने समझौते के तहत चिन्हित सहकारी और तालमेल बिठाने वाले तत्वों को लागू करने में तेजी लाने की अपील की है। आपको बता दें, IPEF में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका समेत 14 भागीदार देश शामिल हैं। अब यही देश मिलकर बातचीत पूरी कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि जरूरत के समय पर एक दूसरे का साथ देंगे। जो जिस क्षेत्र में जिस देश की मदद कर पाएगा करेगा। बाहर चीन या किसी और देश से मदद मांगने के बजाय आपस में ही एक दूसरे की मदद कर मुश्किल का सामना करेंगे ये देश। वैसे ये जो चीन पर निर्भरता कम करने की तरफ इन देशों ने कदम बढ़ाया है, जिसका भारत भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।